आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर उद्धव सरकार ने अनलॉक के लिए 5 लेवल प्लान तैयार किया है जो कि सोमवार से लागू हो जाएगा। नए प्लान में कोरोना के केस और खाली ऑक्सीजन बेड के आधार पर ही इसको बनाया गया है। जितने कम केसेस होंगे उतनी ही रियायत दी जाएगी। 5% से कम कोरोना संक्रमण वाले इलाके जहां पर 75% ऑक्सीजन बेड खाली होंगे वही पूरी तरह से छूट दी जाएगी। सब कुछ खुल जाएगा। ठाणे समेत 18 जिले इसमें शामिल है। दूसरे लेवल में वो जिले हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 5% ही रहेगा लेकिन ऑक्सीजन बेड 40% तक भरे होंगे। मुंबई को दूसरे लेवल में रखा गया है। यहां पर सोमवार से सभी दुकानें खुल जाएंगी, मॉल और थिएटर्स भी आधी क्षमता के साथ खुल जाएंगे। और तीसरे लेवल में वो इलाके आएंगे जहां पर संक्रमण की दर 5-10% तक होगी, 40-60% तक ऑक्सीजन बेड भरे होंगे। और इस इलाके को इस लेवल में रखा गया है जहां पर जरूरी सामानों की दुकानों को शाम 4 बजे तक खुलने की इजाजत होगी लेकिन मॉल थिएटर यहां पर बंद रहेंगे। चौथा लेवल 10-20% संक्रमण वाले इलाके होंगे, यहां पर धारा 144 लागू रहेगी। जरूरी सामान की दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी लेकिन वीकेंड में संपूर्ण बंदी रहेगी। और आखिरी लेवल में 20% से ज्यादा पॉजिटिविटी वाले इलाके आएंगे और यहां पर काफी सख्ती होगी। बिना ई पास कोई भी घर से बाहर नहीं जा पाएगा। जरूरी सामानों की दुकानें सिर्फ वीकेंड में ही खुलेंगी। मुस्तफा शेख हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। 5 लेवल मुस्तफा बनाए गए हैं अनलॉक के। जी बिल्कुल नवजोत, अगर एक तरह से आप समझे तो 5 तरह से ये एक डायनेमिक प्लान बनाया गया है और इसमें वीकली बेसिस पर पॉजिटिविटी रेट और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजनेटेड बेड्स पर नजर रखी जाएगी। मुंबई फिलहाल लेवल 3 में है और अब 15 जून को डिसीजन लिया जाएगा कि क्या ये लेवल सुधारा जा सकता है। ऐसे ही बाकी भी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं महाराष्ट्र के जो लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 में है। पूरी छूट की अगर आप बात करें तो वो लेवल 1 की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको दी गई है और उसके बाद भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये कहना है कि अब बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट्स को और वो लोग अपने स्तर पर ये फ्रीडम रखेंगे कि वो लोग अपनी जो सिचुएशन उसे असेस करें और इन अनलॉक रूल्स को इम्प्लीमेंट करते रहे। तो महाराष्ट्र में अब वीकली बेसिस पर लॉकडाउन का असेसमेंट होगा, अनलॉक करना है या नहीं करना है ये डिसाइड किया जाएगा। तो एक काफी डायनेमिक रूल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस वक्त निकाला है। आने वाले हफ्तों में ये पता चल पाएगा कि इसके चलते क्या किसी तरह की कंफ्यूजन होती है या फिर कोविड से लड़ने में इस प्लान में मदद मिल पाती है। नजर आप बना रहे की मुस्तफा, लेकिन इसको लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं किस तरह की आ रही हैं अब वो आपको दिखाते हैं। कैटेगरी में बांटने का काम किया है। एक कैटेगरी वो है जहां पे पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और बेड ऑक्सीजन जो है वो 25% से कम ऑक्यूपाइड है, वो पहली कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी है जिसमें 5% से कम है लेकिन बेड ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। इसी तरह से 5 तरह की कैटेगरी बनाई गई है जिसके तहत बड़े पैमाने पर रिलैक्सेशन दिए गए हैं। दुकानों को खुला रहने की टाइमिंग पूरी क्षमता से दी गई है। सरकारी और निम सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार को लेकर अनुमति दी गई। जो शादी ब्याह है उसको लेके भी 100 तक की मर्यादा रखी गई है। होटल है, रेस्टोरेंट है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह की परमिशंस हैं। अनलॉक के संदर्भ में जिस प्रकार से मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट कर दिया उससे लोगों में बड़ी खुशी की लहर आ गई कि चलिए अनलॉक हो गया। और शाम को सीएम ऑफिस ने कहा कि अनलॉक नहीं हुआ है, अभी 5 स्टेप्स में अनलॉकिंग हम कंसिडर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार ऐसी है जिसमें एक सीएम है और कई सुपर सीएम है। सीएम साहब बोलने से पहले सारे सुपर सीएम बोल देते हैं, एक ही विषय पर 4-4 लोग बोलते हैं। बोलने की मनाही किसी को नहीं है लेकिन मेजर पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर कम से कम या तो सीएम साहब बोले, सीएमओ बोले या फिर वो जिनको चयनित करे ऐसे कोई व्यक्ति इसके ऊपर बोले, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उससे लोगों के बीच कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा। ये पूरा का पूरा कन्फ्यूजन सरकार के कारण तैयार हुआ है।